आज है ना एक सज्जन आए जिन्होंने अभी अभी उनके 1 करोड़ रुपए बैंक में थे, उन्होंने अभी शायद एप्लीकेशन दिए बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं। ये खाली एक 32 लाख के लिए ये ऐसे कर रहे हैं ना, हमको परेशान कर रहे हैं। कितने वैल्यूएबल कस्टमर को अगर हमने यहाँ रोज आके जमावड़ा कर दिया ना, या इनके बाहर है ना लाइन लग जाएगी एफडी तोड़ाने वालों की। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने ही एम्प्लॉय के साथ हुए फ्रॉड के बारे में है। पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैं ही विक्टिम हूँ इस बैंक की, मैं बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हूँ इस बैंक। मैंने कई एफडीज, सेविंग अकाउंट और कई पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और सिप्स वगैरह कई मैंने इस बैंक के थ्रू करा रखी है। इस बैंक में मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। बैंक ने एक हिमांशु पारिक नाम का रिलेशनशिप मैनेजर बैंक ने मेरे लिए अपॉइंट कर रखा था, और बैंक शायद हमसे बिजनेस लेने के लिए बार बार बैंक हमको उसको भेजता था। हमें भी सुविधा थी भाई, घर बैठे हमारी एफडी वगैरह बन जाती थी, इतना नाम हो रहा है इस बैंक का, तो हमें पूरा विश्वास था कि बैंक ने जिसको भेजा है वो भला ही आदमी होगा जिसने हमारे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर जिसको भेजा है। तो उससे हमने एफडियां करवाई। पहली एफडी की मैच्योरिटी थी 24 मई अभी 2023, अभी इसकी मैच्योरिटी थी। जब मैं मैच्योरिटी पे आई तो पता चला, पहले तो बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के से स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे की तरफ हल्की हल्की इशारेबाजी हो रही कि ये हो क्या रहा है, इनको दिख क्यों नहीं रही एफडी। उस वक्त वो हिमांशु तो था नहीं यहाँ पे, और बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के थे। आपके पास कागज भी थे? मेरे पास एफडी के कागज थे, ओरिजिनल एफडी के कागज थे मेरे पास। तो फिर वो हक्के बक्के जब एक दूसरे को देख रहे थे तो मुझे भी डाउट हुआ यहाँ चल क्या रहा है ये। तो फिर इतने में कहीं से हिमांशु आ गया, जिसने उसको किसी ने या तो इन्फॉर्म कर दिया होगा कि यहाँ अभी हंगामा होने वाला है, तेरे तूने एफडी बनाई वो स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। हिमांशु आ गया, हिमांशु आया तो वो मेरे को समझा रहा था कि मैम आज 24 तारीख है, कई बार आप तो खुद समझदार हो, कई बार एफडी मैच्योर होते थे शाम तक हो जाती, कल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। थोड़ा मैंने भी सोचा कि हाँ कभी कभी एफडी हो सकता है एक दिन लेट हो, मैंने कहा चलो आज अपन एक दिन और इंतजार कर लेते हैं, साल भर अपन ने इस एफडी के मैच्योरिटी का इंतजार करा, आज एक दिन में क्या जा रहा है, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। 25 को मैं फिर आई, फिर एफडी की मैच्योरिटी नहीं। उस वक्त पर मैनेजर नहीं था तो मैं स्टाफ से बात करा के वापस घर चली गई। एक दिन मैंने जैसे तैसे इंतजार करा, दूसरे दिन मुझे डाउट हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, कुछ हो गया है मेरे साथ। हम उसको कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आए यहाँ पे, हिमांशु को हम 2-3 जने थे, पकड़ के ले आए उसको, और फिर लाके उसने कबूल करा कि उसने फ्रॉड किया है। उसने बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगने वाली एफडी बना ली, जिसमें बैंक का क्यूआर कोड भी था, बैंक की मोहर भी लगी हुई थी। आप इसी पे तो यकीन करोगे, ऐप वेप पे तो अब दुनिया देखने लग गई है। हमारे बाबूजी ने बरसों सैकड़ों एफडियां मनवाई, वही आता था बॉन्ड उस पर भरोसा कर लेता था जिसमें बैंक की मोहर लगी होती थी। कौन सोच सकता है कि ऐसा हो जाएगा किसी के साथ में, वो भी ऐसे बैंक में। अब बैंक है, बैंक ने उसको पुलिस को पकड़ा दिया, बैंक चाहती पुलिस उसको मारे कूटे उससे ही वसूले, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर ये बैंक हमको एक बार भी आश्वासन देता कि आपका हार्ड अर्न मनी है आपने हमारे नाम पे दिया, आपने किसी हिमांशु पारिक को तो दिया नहीं, आपने तो इस AU बैंक के बैनर को दिया है पैसा। और बैंक ने क्या बोला है? बैंक तो ये कह के पल्लू झाड़ दिया कि हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, हमने तो करा नहीं था, हमारे एम्प्लॉय ने करा है, हमने तो करा नहीं, और उसने पैसा इधर उधर कहीं ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास तो पैसा आया नहीं, तो हम क्यों दें? जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने तो जिम्मेदारी अब इस जनता ने जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि सबको डर लग रहा है। आज है ना एक सज्जन आए जिन्होंने अभी अभी उनके 1 करोड़ रुपए बैंक में थे, उन्होंने अभी शायद एप्लीकेशन दिए बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं वो अपना। हम अगर रोज यहाँ पे आने लग गए ना, ये खाली एक 32 लाख के लिए ये ऐसे कर रहे हैं ना, हमको परेशान कर रहे हैं। कितने वैल्यूएबल कस्टमर को अगर हमने यहाँ रोज आके जमावड़ा कर दिया ना, या इनके बाहर है ना लाइन लग जाएगी एफडी तोड़ाने वालों की, नानी याद आ जाएगी। ये सर सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित तरीके से हुआ हुआ फ्रॉड है, इसमें बैंक के कई कर्मचारी शामिल है, नाम उजागर, इनको करने में शायद खुद को शर्म आए। तो देखा आपने कैसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ही एम्प्लॉई के साथ 32 लाख रुपए का फ्रॉड किया। अभी हमें इससे क्या सीखना चाहिए, हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बैंक में आपका मोबाइल नंबर जरूर से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आया है रिलेशनशिप मैनेजर का। रिलेशनशिप मैनेजर को अगर आप कुछ भी कैश अपना डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू भी होता है, जैसे कि आपके घर से वो कैश लेके जाएंगे और आपके ओन बिहाफ हो आपके अकाउंट में जमा करेंगे, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उनसे लिखवा के रखिए, अपना चेक कीजिए कि आज आपने पैसा दिया है तो वो जमा हुआ है नहीं हुआ है। आपके पास ईमेल पे भी अलर्ट आता है, SMS भी आता है, आप अपने
नेट बैंकिंग में, मोबाइल ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको आपको चेक करना है। नहीं हुआ है तो पूछना है उससे कि क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पर इस केस में 32 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। आपने पैसे एक बैंक के एम्प्लॉय को दिए उसके ऊपर ट्रस्ट करके कि वो आपके पैसे की आपने FD करवा दी है, लेकिन उसने उसके बाद आपने एक साल तक उसको देखा ही नहीं कि पैसे का क्या चल रहा है। इतना भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए बैंक एम्प्लॉय पे। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपने कुछ सीखा होगा और आगे आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसी गलतियों से बचे रहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप फिनोटेक से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।